गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपको पावर ट्रांसमिशन के बारे में बतलाएंगे। पावर मतलब शक्ति होता है। शक्ति को कैसे एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। पावर एक तो आदमी का पावर होता है, दूसरे में बिजली का पावर होता है, तीसरे में डीजल जनरेटर इसका पावर होता है। किसी भी चाहे मोटर का हो या जनरेटर का हो पावर, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसको पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। पावर ट्रांसमिशन किसी भी पावर को एक जगह से दूसरे जगह भेजने की क्रिया को पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। यह पावर ट्रांसमिशन दो प्रकार के होते हैं। पहला सेल्फ ट्रांसमिशन, सेल्फ मतलब अकेला। आप देखते होंगे सेल्फ में एक मोटर से एक ही काम होता है, उसको हम सेल्फ ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसे एक मोटर है और इससे काम एक ही केबिन में एक ही मोटर के काम में हो रहा है, तो ये सेल्फ ट्रांसमिशन हुआ, सिंगल ट्रांसमिशन हुआ, सिंगल वर्क के लिए हुआ। आप लोग अक्सर देखते होंगे मिल में अलग अलग भी होता है, आटा पीसने का और तेल पेलने का अलग अलग भी होता है और ज्वाइंट भी होता है। इसलिए अगर अलग है तो वो सेल्फ ट्रांसमिशन में आएगा। दूसरा है ग्रुप ट्रांसमिशन। ग्रुप ट्रांसमिशन में एक से ज्यादा वर्क को एक ही मोटर करता है, इसलिए उसको ग्रुप ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसे यह मोटर है, मोटर से यह शाफ्ट निकला। शाफ्ट आप लोग देखे होंगे मिल में, मोटा सा एक रॉड के समान होता है, उसको शाफ्ट कहते हैं। इस शाफ्ट से यहां पर एक पुल्ली लगा दिया। पुल्ली आप लोग भी देखते हो इस तरह से गोल आकार का, जिसमें बेल्ट चढ़ा रहता है उसको पुल्ली कहते हैं। इस पुल्ली से अगर हम इधर बाहर इस तरफ भी दूसरा शाफ्ट ले जा सकते हैं, इस तरफ भी फिर आगे आकर के यहां एक पुल्ली लगाने पर ये आगे की ओर भी बढ़ सकता है। कहने का मतलब है एक से ज्यादा काम के लिए, मान लीजिए कहीं तेल मिला रहा है, कहीं जो है से आटा पिसा रहा है, कहीं जो है से मिर्चाई धनिया का पिसल होता है, होता नहीं देखते हैं, तो वो एक से अनेकों होते हैं। आप कहीं भी मिल में जाइएगा तो देखिएगा एक स्टार्टर से, एक मोटर से, एक जनरेटर से, एक फिटर वाला मशीन से, एक ही से कई एक काम होते हैं, वो है ग्रुप ट्रांसमिशन, उसको कहते हैं ग्रुप ट्रांसमिशन। अब एक ट्रांसमिशन के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, एक तो मोटर हो गया, दूसरे शाफ्ट हो गया, तीसरे पुल्ली हो गया। एक इसी पर, इसी पुल्ली पर जैसे मोटर से शाफ्ट निकला और शाफ्ट के बाद पुल्ली हुआ, इसी पुल्ली पर आप देखते होंगे कि बेल्ट लगा रहता है। वो बेल्ट जो है
बेल्ट कहते हैं उसको। बेल्ट आप यहाँ देखेंगे कि बेल्ट चार प्रकार के होते, पावर ट्रांसमिशन जो है वो चार तरीकों से किया जाता है। पावर को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में ये चार तरीका से, चार सोर्सेज है। पहला है बेल्ट, दूसरा है चेन, तीसरा है गियर, चौथा है रोप। रोप मीन्स रस्सा, बताते हैं। और बेल्ट जो है आप जनरेटर, आप लोग जनरली देखते हैं चौड़ा सा बेल्ट होता है, इस तरह का बेल्ट होता है जो कि पुल्ली पर चढ़ता है, और फिर पुल्ली पर चढ़कर और जहां काम होता है आटा पिसना या तेलना उसके पुल्ली पर चढ़ जाता है। जब मोटर चलता है ये बेल्ट घूमता है और आपका काम सोल्व होता है, यानी आटा पिसाना तेलना जो भी काम है उससे वो सोल्व हो जाता है। तो पावर जो है मोटर से निकलकर बेल्ट शाफ्ट के द्वारा पुल्ली पर से बेल्ट पर होते हुए आपका मशीन जहां काम हो रहा है वहां पर आता है। बेल्ट फ्लैट बेल्ट है, भी बेल्ट है। भी बेल्ट देखिए, ये फ्लैट बेल्ट यहां आपका है, दो पुल्ली है, पुल्ली पर एक फ्लैट बेल्ट लगा हुआ है। तीसरे आप भी बेल्ट आप वर्कशॉप में गए होंगे, ड्रिल मशीन देखे होंगे, ड्रिल मशीन पर बेल्ट जो है कई एक स्पेस में रहता है, कई एक स्पेस में रहता है, इस पर इस तरह से भी बेल्ट लगा रहता है। वो भी बेल्ट आपका ड्रिल मशीन में लगा हुआ है, जब कभी भी हो देखे उसे या हम आप लोग काम किए हैं उस पर वो भी बेल्ट होता है। दूसरा है चेन, ये चेन है, देखिए चेन है। साइकिल तो आप चलते हो, मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो चेन को पावर ट्रांसमिट करता है। कैसे करता है? इस पर पैडल लगा हुआ है, आदमी की शक्ति है, पावर कहां से मिल रहा है? आदमी से मिल रहा है। अब इसको चलाते हैं, इसको चलाने से ये चेन जो है आगे की ओर घूमता है और इस गियर से होकर पिनियन तक आता है। अब कहेंगे ये गियर और पिनियन क्या है? गियर पावर का सोर्स है। इससे जो बड़ा जो गियर आपके पास है उससे जो छोटा गियर होता है उसको हम पिनियन कहते हैं। फिर इससे भी अगर छोटा हो गया तो इसका पिनियन दूसरा हो जाता है। तो जब आदमी चलाता है तो गियर घूमता है पैडल से और वो एक पिनियन पर होते हुए आपके चक्का पर जाता है, पावर को ट्रांसमिट करता है, आगे की ओर बढ़ाता है। यहां देखिए ये जो है चेन वो रिवेट पर जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन बड़े बड़े चेन, बड़े बड़े कार्य के लिए रोलर सिस्टम से होता है। रोलर यानी रोलर बियरिंग होता है, रोलर गोल इस तरह से गोल बियरिंग बना करके इसमें लगाया जाता है और पावर को जो रोलिंग घूमता है तो शक्ति जो है पावर जो है जहां से आप जाना है वहां से आगे बढ़ता है। जैसे आप देखते होंगे आप ये खदान में जब कोयला कटता है या माल मोल कटता है तो वहां काटने के बाद ये बेल्ट जो है ये चेन अंदर की जमीन में रहता है और उस चेन को पर कोयला या अब्रक या जो भी है सामान उसको रख दिया जाता है और जब मोटर चलता है चेन चलता है और
चेन चल कर उस पर जो सामान पड़ा हुआ है, बहुत बड़े बड़े चेन होते हैं, बहुत बड़ा चेन होता है, उस पर सामान जो पड़ा है वो बाहर ले जाकर किसी बर्तन या किसी स्टोर में जाकर के जमा हो जाता है। और पावर ट्रांसमिट होने के चलते ही सामान जो है चेन पर रखा जाता है और बाहर की ओर लेकर के चला जाता है। और वो जो है ये रोलर चेन से रहता है, बड़े बड़े रोलर चेन। तीसरा है गियर। गियर आपको दिखा दिए, ये गियर है, किस तरह से इस पर गियर का काम होता है। गियर देखिए यहां है, एक गियर इसका ई गियर से इसका पिनियन है, इससे जब मोटर घूमता है, यहां से मोटर घूम रहा है तो इसको घुमाता है, घुमाने के बाद ई घूमता है पिनियन, और पिनियन में लगा शाफ्ट जो है वो घूमता है, जो कि आगे वाला काम जो है आपका इससे काम हो जाता है। तो गियर के द्वारा भी पावर एक जगह से दूसरे जगह जाता है। कहने का अर्थ है जो शक्ति, जिस प्रकार की शक्ति एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाए उसको हम पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। अब है रोप। रोप माने होता है रस्सा, आप लोग समझते होंगे वो कपड़ा वाला रस्सा या नारियल वाला रस्सा, वो रस्सा नहीं होता है, यह धातु का बना हुआ, लोहे का बना हुआ, लोहे का बना होता है। आप लोग जब भी देखते हो कोई दुर्घटना हो जाती है, बस उलट जाता है या गाड़ी उलट जाता है, तो उसका उसको उठाने के लिए क्रेन आती है। क्रेन में जब भी देखेंगे तो एक रस्सा लटका रहता है, वो रस्सा तार का रस्सा है, जो कि मशीन मोटर जहां से बिल होता है ये उठाने के लिए, जो गिरा हुआ चीज है उसमें जाकर के सीलिंग से बांध दिया जाता है और उसको उठा करके ले जाता है। तो उठाने का काम पावर जो है वो गाड़ी से मिल रहा है, और गाड़ी से शक्ति जो मिलने के बाद वो रोक में जाता है, और रोक जो है टूटे हुए सामान को ऊपर उठाता है, उठा करके एक जगह से दूसरे जगह रख देता है। तो पावर आपको गाड़ी से मिला, मोटर से मिला, और उसके बाद रोड से होते हुए गिरे हुए सामान को जहां है वहां से उठा करके रख देता है। इसका मतलब हुआ ये रोड से पावर का ट्रांसमिशन होता है। चिकना हो जाता है जिसके कारण वो फेंक देता है, तो उसके लिए हम लोग लुब्रिकेंट डालते हैं। आप देखते होंगे वर्कर जो है वो ग्रीस लगा देता है, उसको ग्रीस लगा देने से वो उसका उछलना जो है बंद हो जाता है और काम सुचारू से रूप चलता है। लुब्रिकेंट, अब बेल्ट टूटा भी है, टूटने के लिए फास्टनेटर होता है, फास्टनेटर के बोल्ट होता है, वो बेल्ट को जोड़ने के लिए फास्टनेटर से नट बोल्ट के द्वारा जाम कर दिया जाता है, कस दिया जाता है, और बेल्ट जो है आगे की ओर होता है। कभी कभी चेन में रोलर टूट जाता है, रोलर को फिर से फिट कर देने पर रोलर चेन जो है फिर चलने लगता है। गियर टूट जाता है तो मशीन वर्कशॉप में जाकर उसे फिर से गियर का दांत जो है बनाया जाता है, फिर पावर ट्रांसमिशन के लिए आ जाता है। इस तरह से
होते रहता है।